ये आपने शीशा पूरा चेंज कर दिया इसका? हाँ, ये नया ग्लास लगा है। अच्छा, ग्लास पूरा चेंज किया है। अब जरा ये बताओ ना अंश भाई कि पंजाब से दिल्ली तक का ये कैसा कनेक्शन हुआ? फर्स्ट थिंग एंड लास्ट थिंग, भाई बहुत ज्यादा लकी हूँ मैं कि पाजी की थारे बैठा हूँ। तो ये रही अपनी गाड़ी and finally यार तगीने दा तो मैं नहा के आती हूं, तो सीधी आओ, हमको तुम कॉल करो तो तुम याद नहीं दिलाया। अच्छा, वो तो एनिवर्सरी वीडियो। मैं बोला तो फोन में बिजी था, मैं चला गया कल। फोन तो मैं टाइम पास भी देखती हूं, ऐसा जरूरी थोड़ी होता है। तो कितने देर तक याद रहो बता। अब मैं नहा लूंगी उसका, तुम देखना कि मैं नहा ली हूं उसके बाद फिर। ठीक है, मैंने पेन ड्राइव रखी हुई संभाल के। आज देख लो, आज कॉफी नहीं, आज हम ग्लूकोंडी पियेंगे जो की मम्मी ने अपने लिए बना रखी थी। मम्मी पी लो फिर। पहली कोई ऐसी पार्टी या ऐसी कोई महफिल थी हमारी तरफ से जिसमें मुझे बहुत मजा भी आता। पर्सनली हमने कभी भी से पहले ऐसा कुछ नहीं, गैदरिंग नहीं करी थी। एक बार पब्लिक को दिखाता हूँ मैं, फिर आराम से देख रही हूँ। ये देखो पापा मम्मी, देख रहे मम्मी कैसे लग रहा है, हवन हो रहा है ना मतलब। हाँ जी, मेरे टिंकू अंकल हैं एंड बहुत सारे अपने रिलेटिव भी आए थे। मेरे पापा स्टार्टिंग से यार साईं बाबा में बहुत ज्यादा मानते हैं। मम्मी की सहेली सिंगर्स वगैरह सब आ रखे थे। देख लो, ये देखो, ये पालकी सी जो उठती है एंड राधा एंड किशन जी बने हैं। अपना अलग ब्लॉग बना रहा था उस दिन भी। मम्मी बना रहा था ना शायद वीडियो, बनाया था लास्ट आया था। बाकी चलो मम्मी को भी एंजॉय करने देते हैं। एंड यार ये क्या सही मौसम हो रहा है आज का, देख लो वो भाई फुल बादल से कवर्ड एंड हवा भी कितनी सही चल रही है। एंड एज वेल एज अपनी गाड़ी को तो बहुत मिस कर रहा हूँ भाई मैं। आज अपडेट भी आ जाएगा अपनी गाड़ी का, तो तुम्हें तो बता दूंगा है ना, शाम तक अपडेट आएगा। बाकी फटाफट से मुझे एक लास्ट एडिटिंग करनी है, वो करके तुमसे मिलता हूँ। फिर अपने को ऑटो आईडी कस्टम निकलना है। मैं जब भी यार अपना ये वाला गेटअप लेता हूँ ना, ये शर्ट और नीचे ये वाली लूज वाली जो पैंट है अपनी, मुझे अपने विवेक दोस्त की याद आ जाती है। तुम जानते हो जैसे मतलब अपने को बुलाने चल से फॉलो करते हैं यार, ये गेटअप, ये पूरा जो जोड़ी है कपड़ों की, ये मुझे भाई ने गिफ्ट करी थी। भाई की अमेजोन में जॉब लगी थी एंड जितने बंदे हैदराबाद से वीडियो देख रहे हैं, हैदराबाद अमेजोन ऑफिस आके भाई को मेरी तरफ से हेलो बोल के आना। अगर तुम लोगों का चक्कर लग रहा है उस तरफ या तुम लोग अमेजोन ऑफिस से वीडियो देख रहे हो तो विवेक शर्मा भाई का नाम है। ठीक है, बाकी चलो कैब आ गई है। ये देखो भाई, ये रहा अपना तुषार, फोन मार दो एक, उसको पता नहीं है। क्या बोल रहे, चलो तुषार को पिक कर लिया। एंड भाई आज तुम लोगों को पता है हम सिद्धू मूसेवाला की जो थार है उस थार से मिलने जा रहे हैं स्पेशली, क्योंकि देखो जितने लोग मेरे को पुराने चैनल से फॉलो करते थे, ये लाइन में बार बोलते रहो क्योंकि यार नया चैनल है, इसमें नए लोग भी जुड़े हैं एंड नए लोग और जुड़ते रहेंगे। तो जितने को नहीं पता, मैं प्रॉपर सिद्धू मूसेवाला के गाँव भी गया था जब वो कांड हुआ था अपना, जब बाजी की डेथ हुई थी। तो मैंने उस थार से मिला है, पुलिस स्टेशन के अंदर मिला था मैं उस वक्त। लेकिन अभी अपने जो ऑटो आईडी कस्टम वाले भाई हैं अंश चौधरी भाई, तो उनके पास थार आ रखी है, उन्होंने रिस्टोर करी एक तरीके से, क्योंकि कुछ है सीन, कुछ तो रैली वगैरह कुछ तो मामला है, जाके बात करते हैं। एंड अपने जो भैया हैं यहाँ पे कैब वाले, आपका नाम क्या है? कुलदीप। कुलदीप भैया को मैंने जस्ट अभी सारा बात बताया, कुलदीप अभी शौक किया, अरे भैया मतलब आप तो बड़े लकी है कि मतलब आप उस थार से मिलने जा रहे हैं। और एक तरीके से लास्ट उनकी एक निशानी तो है सिद्धू मूसेवाला की, जो भी उस थार से मिलता है, जो भी उस थार को अपने आंखों से भी देख पाता है ना, वो मैं मानता हूँ वो इंसान बहुत लकी है। ठीक है, तो अपने आप को लकी मान के समझ के हम चल रहे हैं। हम लोगों को बताया था ना पिछले ब्लॉग में कि भाई गुड़गांव में पूरा जाम लग रहा है, तो अभी क्या हमें बसंत कुंज जाना है। यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे तो मैप देख सकते हो, क्योंकि वसंत कुंज के लिए शॉर्ट रास्ता अपनी तरह से यही पड़ता है महिपालपुर से कटमार के अंदर। एंड भैया बता रहे हैं हमें कि महिपालपुर के बाद वाला जो रास्ता है ना उधर बहुत जाम लगता है, तो अपने लिए आज के लिए बढ़िया है कि यार पहले कटमार लें। लेकिन तुम लोगों को मैंने कहा था और आज बोल रहा हूँ कि भाई अगर गुड़गांव जाना हो रहा है तो मेट्रो से जाओ, 3 महीने के लए ज़्यादा सही रहेगा है। तो ये आ गए हम ऑटो आईडी कस्टम। तुम गाड़ी होगी यार काफिला देखो, ये देखो BM650 आए, स्विफ्ट देखो कितनी प्यारी बना दी है। अपनी ये जो रैप्टर थी इस पर भाई ने हरा कलर कर दिया। जरा पूछते हैं इनसे आज कि भाई ये ग्रीन कलर क्या राज है, अंदर भी देख लो भाई। अरे लाजवाब, दिल्ली के बहुत बड़े ब्रांड है, पीछे दिखा दो। ये वो थार से हम जिक्र कर रहे हैं। एंड मैं तो यार मानसा जब गया था ना भाई, तो मैंने पुलिस स्टेशन के अंदर इस थार से मिला था मैं एंड देखा तो मैंने कैसे कैसे गोली गोली निशान थे। यार ये क्या सीन है, मतलब एक तो पहले मुझे बताओ थार पे हम आते हैं, जरा इधर देखो सीसीटीवी की सारी फुटेज यहाँ पे लगी होती है, स्विफ्ट भी अपनी ग्रीन कलर की है, लैपटॉप भी आपने हरे में कर दिया है, ये ग्रीन कलर से ऑब्सेशन क्या है यार इस भाई, ये बताओ पहले। अब ये 1 महीने के लिए ग्रीन कलर रखेंगे। अच्छा, सब गाड़ियों में। हाँ, मतलब हरा अपने को पसंद है। हाँ। और मैं तो बताता हूँ भाई,
वैसे तो भाई का सबको पता ही है कि स्टार्टिंग से अपन कल्चर में है इसमें, और अपने रैप्टर के ऊपर थोड़ा मैं देखा था यूट्यूब पर बातचीत हो रही थी अलग अलग जगह से, क्या क्या रिप्लाई उसके लिए? उसके रिप्लाई कुछ नहीं है, बच्चे हैं वो, हमने ही सामान बेच रखा है हमने किसी अपने इम्पोर्टर मतलब हमसे किसी ने डीलर ने लिया, डीलर ने किसी और को दिया, फिर वहां से उनके पास सामान गया, उन्होंने लगवाया। अब यार हमारा काम है, हम धंधा कर रहे हैं, वही तो हम सामान बेच रहे हैं, हम थोड़ी कर देंगे, ये तो हमारा काम है। अब मैंने किट मंगवाई है, इम्पोर्टर्स ले रहे हैं बहुत, मतलब जिनके पास जिन्होंने खुद इम्पोर्ट नहीं करा था वो इम्पोर्टर हैं, वो भी हमसे बोरो कर रहे हैं कि यार मेरा सामान नहीं आया दे दो। पता है बहुत लोगों ने भाई पता नहीं है, ये रैप्टर की जो वीडियो है ना यार, ये मैंने शूट कब कर ली थी, रील जल्दी डाल दी, पर वीडियो बहुत बाद में आई, ठीक है, बाद में आई, और आपने बना भी समझ लो आपने एक दो हफ्ता हो गया था आपको बनाए हुए, है ना, दो हफ्ते बनाए हुए हो गए थे, फिर वीडियो तुमने लेट डाली। हाँ, और मैंने दो महीने के लिए बोला था कि दो महीने के लिए कोई भी दिखा देगा तो उसे 2 लाख, और मुझे एंटरटेनमेंट शायद हो गया था जब मैंने वीडियो डाल दिया, महीने से ऊपर हो गया था, महीने से ऊपर हो गया था, तो वो वाला सीन है। लेकिन किसी को अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है ना उसकी, तो हमारे ऑफिशियल जो ऑलरेडी कस्टमर पेज है उस पर जाके रील देखी, जब रील डाली थी उस टाइम कड़ी रेडी थी। हाँ यार बिल्कुल ठीक बात है, इधर जितने लोगों को नहीं पता लग रहा हम क्या बात कर रहे हैं, रैप्टर पे क्या इनाम था, क्या सीन जरा बता दो। रैप्टर पे हमारा ये था कि जब हमने बनाई थी और इंडिया की फर्स्ट कार थी, और हमने चैलेंज किया था कि 2 महीने तक अगर कोई भी ये रैप्टर 2023 निकाले 2 लाख रुपए कैश प्राइस देंगे। 2023 रैप्टर, उस दिन भी ये बात बोली थी, आज भी ये बात बोल रहे हैं। और जितनी भी किट सेल आउट हुई है, जो भी करिए, केरला, चेन्नई, कोचीन गई है, मुंबई गई है, हमने झारखंड गाड़ियां बाय रोड भेजी है, पूना बाय रोड गाड़ी भेजी है। हाँ, रेडी करके देखो, पता है एक चीज अभी सामने दिखा दो एक बार, इधर कैमरे में दिखाओ, दिखा दो, ये मेरठ से आई हुई है, एक लखनऊ से आई हुई है गाड़ी। अच्छा, ये जो अपने इंडियन है। हाँ, ये ब्लैक यूपी नंबर है, ये लखनऊ से आई हुई है। ओके, तो भाई स्विफ्ट में तो एक तो अपन ने अपनी मोनोपोली कर दी है, स्विफ्ट स्पोर्ट्स किट्स में, है ना, रैप्टर में भी हो गई है, रैप्टर में भी हो गई है, तो अभी धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे मामले आते रहेंगे। लेकिन भाई उससे पहले सिद्धू मूसेवाला जी की थार यहाँ पे खड़ी है, जरा ये बताओ ये थार कैसे आई यहाँ पे, और लोगों को भी शक हो रहा होगा भाई ये ओरिजिनल है या हम क्या बात कर रहे हैं, जरा बता दो। काफी लोगों को है कि भाई मतलब ये सेम वही थार है या कुछ है, तो अभी तक जरा बता दो अच्छे से आप। प्राइवेसी के उससे कुछ नहीं किया था, इस गाड़ी में से गोलियां लगी थी, सबको बता था, गन शॉट्स की दिखा दे एक बार। हाँ, लेकिन जितने लोगों को नंबर बताओगा प्रॉपर लिखा हुआ है तुम देख सकते हो। एंड अभी बात करते हैं कि भाई पे क्यों आई है, क्या रीजन है, क्या आपने शीशा पूरा चेंज कर दिया इसका? हाँ, ये नया ग्लास लगाया है। अच्छा, ग्लास पूरा चेंज किया है, एंड यहाँ वाला ग्लास भाई को शायद चेंज करना है। ये देखो गोलियों के निशान तुम देख सकते हो, और मुझे लगता है ये चीज ना मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, जिसको पता है थार पाजी की उसको पता ही है। भाई जरा फ्रंट में आओ तुषार, तुषार भाई ने हमारा कैमरा पकड़ा, उसको बहुत थैंक यू बोलेंगे। और काफी मतलब आगे स्टार्ट नहीं हुई थी गाड़ी, मैकेनिकल काम हुआ है। हाँ, बाकी इसमें कोटिंग वगैरह हुई है। अब जरा ये बताओ अंश भाई कि पंजाब से दिल्ली तक का ये कैसा कनेक्शन हुआ? फादर से वैसे भी जो भी जैसे सेलिब्रिटी गाड़ियाँ हैं, ये परमेश्वर वर्मा, सिद्धू मूसेवाला, लाडी की हुई काफ़ी गाड़ियाँ, मतलब क्योंकि वहाँ पे वो ओपन में जैसे पंजाब में इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं, और पंजाब में मतलब हाई एंड काम भी नहीं होते, बॉडी किट्स वगैरह वो अलॉयज तक ज़्यादा। हाँ, मेन मतलब अलॉयज का खेल है पंजाब में। हाँ, तो बॉडी किट वगैरह के लिए कुछ मतलब गाड़ियाँ दिल्ली आती, ये नहीं कि हमारे पास ही आती, किसी को भी कुछ काम होता तो गाड़ी दिल्ली आती है, पर अपना व्यवहार एक तरीके से अच्छा है लोगों के साथ, है ना, तो वो बड़ा अच्छा काम आता है। ओके, तो फादर साहब ने खुद कॉन्टेक्ट किया था? हाँ, खुद आया था, क्योंकि ऐसे से कुछ इसमें अब इसको म्यूजियम में खड़ा करेंगे तो गाड़ी एक मतलब परमानेंट मतलब कुछ डैमेज ना हो गाड़ी। कौन से म्यूजियम में? अभी वो म्यूजियम बना रहे हैं, वहाँ पे जितना भी उनका सामान है सारा वो रखा जाएगा। अच्छा, जहाँ पे श्रद्धांजलि उनकी हुई है उधर या फिर अलग जगह पे? नहीं, अलग जगह। अच्छा, और आप मुझे कुछ वैली का बता रहे थे, वो सब उधर करना है? हाँ, अभी 19 तारीख को बरसी है। अच्छा, तो उसके बाद ही ये रोड शो के लिए प्लान करेंगे, जो जस्टिस के लिए दिल्ली में होगा। नहीं नहीं, दिल्ली में नहीं, यहाँ पे कांग्रेस ऑफिस में एक बार वैसे हो सकता है कि आए। अच्छा, बट ये पंजाब में होगा कि भाई जस्टिस के लिए। ओके, तो उसके लिए भी गाड़ी थोड़ी सी चलने लायक होनी चाहिए, चलने के लिए ओके होनी चाहिए। अच्छा, पर देख लो कितनी बड़ी बात है ऑटो आईडी कस्टम भाई, अपने ब्रांड के लिए कितनी बड़ी बात है कि इतना ट्रस्टेड ब्रांड हो गया है कि पाजी के फादर साहब को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। काम मतलब वैसे भी नहीं आती, क्योंकि सेंटीमेंटल्स बहुत ज्यादा है इसके साथ, इमोशनल वहाँ पे, पर किसी अरे अरे को वो देते भी नहीं, मुझे किसी को नहीं, ट्रस्टेड को देते, क्योंकि उनके लिए ये एक मतलब अनमोल कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब
उन्हें आपने इंटरव्यू देखे होंगे उनके लिए मतलब उनके लिए बहुत सेंटिमेंटल चीज है। फिर सोचो जो लोग बोलते हैं कि ये रैप्टर के वक्त ये क्या झूठ बोल रहा है, तो लगा अभी यार ट्रस्टेड है इंसान, तभी यहाँ पे बड़े से बड़ा इंसान भी आ रहा है आपस में प्रोवोक करने के लिए, अपना नाम ऊपर करने के लिए, किसी भी कोई भी उठाता है और कोई हमें दिक्कत नहीं है, गुड सब ना काम करें। मैं नाम भी ले सकता हूँ, मैं सबसे बहुत मोहब्बत और विवाह देता हूँ, रजनी चौधरी मैम ने भी डाल दी है ना, और शायद से मदन करके कोई थे फरीदाबाद के, उनका कोई स्टोर है, तो उनको बढ़िया है यार, मतलब आप लोग बढ़िया बढ़िया अपनी गाड़ी बनाओ, मैं भी कभी आऊँगा आपके पास गाड़ी को बनाने, भाई भाई से भी क्या दिक्कत है यार, खुद प्यार है भाई तो से। हमारे पे कंटेंट के लिए आते थे स्टार्टिंग में, बट और भाई किसी अगर तुम्हारे तुम्हें पता है कि तुमने किट कहाँ से खरीदी, मन में चोर नहीं है तो खुल के बीप बीप क्या दे टू ऑटो। अच्छा हाँ टू टू लगाया था, अब देखो वो डिफरेंस है उनमें और मुझमें, ये देखो साथ साथ यहाँ पे स्विफ्ट एंड रैप्टर, भाई इस रैप्टर की जरा यार मतलब मैं देख पा रहा हूँ जब हमने वीडियो बनाई थी और जब मैं अब देख रहा हूँ कितना चेंज हो गया यार। मैं चाहता नहीं था कि यार ये गाड़ी को ना मैं मिहिर गर्ल्स पे दिखाऊँ, ठीक है, क्योंकि यार ये कोई एपिसोड नहीं बना रहे हम, मॉडिफाइड कार ऐसे कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने इस वाले चैनल पे दिखाया। एंड अगर तुम लोग ये चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई प्लीज़ लाइक मार देना, सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा मोटिवेशन फील होगा मुझे। एंड अगर अब मैं तुम्हें दिखाऊँ तो फर्स्ट थिंग एंड लास्ट थिंग, भाई बहुत ज़्यादा लकी हूँ मैं कि पाजी की थार में बैठा हूँ। हाँ यार देखो मैं समझ रहा हूँ तुम में से काफ़ी लोग बोलने वाले हैं कि यार भाई आपको उस थार में नहीं बैठना चाहिए था, बाहर से वीडियो आ लेते लेकिन बैठ के बनाने की जरूरत ही थी। देखो यार पहली बार मौका मिला था और आखिरी बार मिल रहा था, इसलिए मेरा ड्रीम था कि यार पाजी की थार में बैठूँ। अब मैं जानता हूँ पाजी कैसे इंसान थे, पाजी कभी भी अपनी गाड़ियों को छूने से, उन पे बैठने से, राइड करने को कभी मना नहीं करते थे, वो वैसे इंसान थे, तो उन्हीं की याद में मुझे पता था आखिरी बार बैठना है क्योंकि अब ये गाड़ी जानी म्यूजियम में, तो अपने को मौका मिला तो इसलिए मैं बैठ के प्रॉपर सबको बताने वाला, तो इसमें तुम्हें बुरा अगर लग रहा तो उसके लिए पहले सॉरी बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि यार तुम थोड़ी मेरी भी समझना, बींग आर्टिस्ट फैन मेरे लिए फर्स्ट एंड लास्ट मौका था कि पाजी की थार को इतनी पास से छू पाऊंगा, बैठ पाऊंगा, समझ रहे हो, तो इसीलिए। एंड पूरी पंजाब को प्यार है यार, ठीक है, दिल्ली की तरफ से। एंड एक बार ना मैं तुम्हें गोलियों के निशान भी दिखा देता हूँ कि भाई देखो कुछ इस तरीके से, ये देखो अंदर से भी, यहाँ देखो इधर भी, ठीक है। एंड अभी स्पीकर्स भी लगने हैं इस गाड़ी में। आर्टिस्ट की ना जिंदगी बहुत ज़्यादा ना ऐसी होती कि यार कोई समझ नहीं पाता। अब मैं उसके अंदर नहीं जाऊँगा डीप कि यार क्या मामला था जिसकी वजह से ऐसा हुआ या वैसा हुआ, जो भी हुआ यार जो भी हुआ, पर बुरा लगा हमें बींग आर्टिस्ट के हम फैन। एंड भाई सोच मैं कितना लकी हूँ तुषार कि मैं दूसरी बार इस गाड़ी को देख पा रहा हूँ और बैठ पा रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ही मानसा पुलिस स्टेशन में गया था, बहुत अच्छा लगा था मुझे, और मैं कितना लकी मान रहा हूँ अपने आप को कि मैं लकी हूँ मैं, और लकी पता नहीं मतलब वैसे अपने आप को बहुत अलग ही बोलता हूँ कि बस शनि रहता है, वह सारे काम मतलब टेढ़े मेढ़े होके हो जाते हैं, नो डाउट, पर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि हाँ देखो पाजी की थार में बैठ पा रहे हैं। नान कटाई एक पाव और साथ में ये मैं तुमको दिखाता हूँ फाफड़ा, ठीक है, दोनों एक पाव ले रहा हूँ मैं, मेरी बचपन की फेवरेट चीज़ है नान कटाई भाई, ये तो मानना पड़ेगा। तुम बताना कौन कौन नान कटाई लवर्स है, जरा कमेंट्स में स्पैम कर दो, मैं जब भी कुछ बोलता हूँ ना कमेंट करने के लिए तो कर दिया करो यार, ये इससे पता लगता है अपनी पावर, मेरी पब्लिक मेरी बात मान रही नहीं मान रही, सुन रही नहीं सुन रही, सुन रहे हो ना सुन ही रहे हो, वैसे व्लॉग बन रहा है तो सुन भी रहे हो देख भी रहे हो, फालतू बातें हैं लेकिन कमेंट में बता दे। नान कटाई और फाफड़ा क्या घान कटाई ये तो बदतमीज लौंडे भाई, रैपर है क्या कर सकते हैं, रैपरों में तमीज का होती तुम जानते ही हो, रैपर बदतमीज होते हैं ना। तू ले रहे क्या चकना? भाई चकना ले रहा हूँ, और बाकी सौदा कोई पीता नहीं, तुम जानते ही हो, वी ओनली ड्रिंक, ये नहीं पीता। हाँ मैं नहीं पीता, तू पैक बना दे तो बात अलग है, अमीरी हो तो मास्टर बेटर जैसी हो हमने पूरी बस बुक कर ली है, वो भी चखना खाने के लिए है ना भाई, ये देख लो चखना चढ़ रहा है यहाँ पे, ये बस हमने पूरी बुक कर ली है, अब यहाँ से हम शिमला जाएंगे अगर ड्राइवर मिल जाए तो, यहाँ बैठ के डिसाइड करते हैं यहाँ से कहाँ जाना है। भाई लैक ऑफ दोस्त हो रहे हैं आजकल, नकली दोस्त बना लेंगे थोड़े और जो सिर्फ वीडियो वगैरह में या टाइम पास के लिए बस सही रहेगा ना, झूठ नहीं बोलते अपन। मैंने तुमसे क्या कहा था, जो होगा रियल होगा, निकल गए हम देख लो, पर भैया भी आ गए हमें लेके जा रहे हैं अब, एंड कहाँ वो हमने पूछा नहीं अभी तक, इतना बताया कि सामने तक जाएगी, एंड फिर हम कैब बुक कर रहे हैं। अच्छा प्लान में चेंज ये हुआ है कि यार शायद से हम यहाँ से महिंद्रा जाएंगे गाड़ी उठाने, भाई के हिसाब से योगी सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं यूपी में है ना, और जो कि मैं भी मानता हूँ भाई, मेरा कहना ये है कि यार योगी जैसा नेता अगर हर स्टेट में आ जाए ना, बोलते ना अपनी भाषा में, फुल गलत हो जाएगा। तो ये रही अपनी गाड़ी, एंड फाइनली यार भाई आप जरा स्टोरी बता दो कैसे कैसे क्या हुआ जो बता रहे हो निपॉन वाला। भैया निपुण में भेजा था हमने क्योंकि कस्टमर की नेगलेसी थी, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया काम करने के लिए। अच्छा। फिर लेकिन भैया से हमारी गुडविल अच्छी है तो हमने भैया के लिए खुद अपने पास ही अपने बंदे से खुलवा के इसको साफ करा के लगाया, अभी प्रॉपर काम कर रहा है हमारा जो मिस्टी में। अच्छा उसमें आपने वैक्यूम वगैरह सब करवा दिया होगा, साफ खुलवा के साफ हो गई है, और अपनी जो अलाइनमेंट थी वो
दो पार्ट चेंजेस उस पैसे की जो आवाज़ आ रही थी दो पार्ट चेंज हो गया। क्या था उसमें लेमन का, लोगों को भी लोगों ने भी साथ साथ देखा था। दो जेट लिंक खराब है इसकी, आगे सस्पेंशन पार्ट होता दो जेट लिंक, अच्छा वो खराब थी उसमें ज़्यादा पिले आ गई थी तो वो पार्ट चेंज कराई है, वो अंडर वारंटी चेंज हुई है वारंटी के अंदर है। और कुछ पेमेंट वगैरह करनी है? नहीं कोई पेमेंट नहीं है। अरे वाह, देखो यार फिर से महिंद्रा से दोस्त बन गए हैं, ठीक है बीच में थोड़ा सा आनाकानी हुई थी पर भाई आर फ्रेंडशिप इज नेवर एंडिंग फ्रेंडशिप है ना। यस देखो भाई दोस्ती के बीच में थोड़ी बहुत ऐसी चीज हो जाती है पर अगर व्यवहार अच्छा है दोनों तरफ से तो दोस्ती टिकी रहती है। अंडर वारंटी सारा काम हो गया है एंड सबसे मेन तो भाई सारे बटन्स वर्क कर रहे हैं एंड चाबी भी अंदर ही है तो एक बार जरा हम ऑन करते हैं। साथ साथ मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने, हाँ मैंने दो डंडी कम में पेट्रोल दिया था, पेट्रोल उतना ही है ना, ये बहुत बढ़िया बात है भाई। एंड अरे वाह देख लो ये बात मैं कह रहा था कितना सही हो गया। तो ये दिक्कत आई क्यों वैसे, मतलब ऐसा हुआ क्या था? क्या होता है रबड़ के पार्ट होते हैं वो, हाँ। रबड़ के पार्ट में ना वो प्ले वगैरह जब चलती है गाड़ी तो रोड पे रफ रोड पे तो प्ले हो जाती है तो चक्कर नॉइज आ जाती है गाड़ी के अंदर। अच्छा मैं कह रहा हूँ और पहली बारी में अपना क्यों नहीं हुआ था काम, वो आप जरा बताओ वो क्या हो गया। पहले भी है ना हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन चल रही थी गाड़ी, पहले हमने उसको ना नट बोल्ट से टाइट करके दिए थे गाड़ी के, अच्छा नट बोल्ट टाइट करके गाड़ी की अलाइनमेंट करी थी, ठीक है तो उस टाइम आवाज बंद हो गई थी लेकिन जब दोबारा देखा तो वापस प्ले बढ़ गई उसके अंदर तो वो चेंज करने से तो चेंज कर दिया आपके, चेंज कर दिया ना। और कस्टमर्स को ऐसी दिक्कत नहीं आएगी ना? नहीं नहीं, बाकी मैंने पिछली वीडियो में कहा है कि भाई थोड़ा वर्कलोड भी ज्यादा रहता है इसलिए यार अब क्योंकि सर्विस सेंटर, मेरा पता है एक सुझाव है महिंद्रा वालों को कि यार सर्विस सेंटर थोड़े और खोलने चाहिए, इन्हें काम है ना सर्विस सेंटर इसलिए दिक्कत आती है, ये बात है कि नहीं? बिल्कुल बात है ना, सर्विस सेंटर काम अब गाड़ियां बहुत ज्यादा है, पुलिस की भी इधर ही आ रही है, प्राइवेट गाड़ियां भी इधर आ रही है, कितना बंदा एक दिन में कर देगा। तो ये महिंद्रा ने सुझाव है कि भाई सर्विस सेंटर और ज्यादा खोल सकते हो क्योंकि मैं खुद द्वारका में रहता हूँ, मैं इधर आता हूँ मुड़गा, द्वारका में है सर्विस सेंटर? नहीं द्वारका में नहीं है ना, तभी तो आना पड़ता है। चलो वही है, थैंक यू भाई सचिन भाई को हम थैंक यू बोलेंगे। एंड जाने के लिए भी ना मैं नजफगढ़ रास्ता ले रहा हूँ, आया भी यहाँ पे नजफगढ़ रास्ते से ही था, मेरे रास्ते बड़ा शॉर्टकट पड़ता है ठीक है एंड काफ़ी सही रास्ता पड़ा क्योंकि पीरा गड़िया ऑलवेज यार और इस वक्त तो बहुत ज़्यादा जाम रहता है ठीक है। पर एक चीज मुझे बोलनी थी कि यार स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है, मतलब सेंसिटिविटी तो बोलते हैं ना स्टीयरिंग की काफ़ी बढ़ गई है, थोड़ा टर्न मार रहा हूँ पूरा उधर हो रहा है ठीक है, तो एक ये चीज़ है एंड क्लच भी थोड़ा स्मूथ हो गया पहले से। हपुती मेरी नम ना पतवार कहाँ लेके चिट्टी बजे सन मैं दहाड़ता ना या फार डाला हसने वाले फंड ये है पाठशाला। चलो यार ये व्लॉग अभी पे एंड करते हैं यार, टाइम देख लो तुम 12:30 हो गए हैं एंड अभी यार मैंने खाना वगैरह सब खा लिया, अब सोएंगे अपन एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, कमेंट कर देना प्यार से तुम्हें वीडियो कैसी लगी एंड सबसे लास्ट में यार कमेंट में आ जाना चाहिए लेजेंड्स नेवर डाई सिद्धू मूसेवाला जी फॉर एवर, ठीक है चलो एंड करते हैं वीडियो को एंड मेरे 30 मिनट्स गैंग को भाई डबल लव जो है। और ये क्या हो गया, एक मिनट आउट ऑफ फोकस आ रहा है भाई यार, ये आईफोन ना लो लाइट में बहुत ज़्यादा बेकार है सच में, इसको एक रोशनी चाहिए अपने साथ, ठीक है चलो वीडियो पे एंड करते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर देना प्यार से, बाकी चलो तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में यही 8 से 10 के बीच में, तो मिलूंगा फिर से बोलूंगा भाई 24 घंटे में से 10 मिनट निकाल लोगे मेरे लिए, 10 से 15 मिनट मेरे को अच्छा लगेगा सपोर्ट फील होगा एंड ऐसी मजे करो, चलो एंड करते हैं। तो यार मैं मास्टर बोलता हूँ अगले तक के लिए गुड बाय साइनिंग आउट।